नमस्कार दोस्तों, मैं अभी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल मास्टर माइंड टेक में। दोस्तों, हमारे जो डीजल कार होते हैं, खास करके जिनमें टर्बो लगा हुआ होता है, आजकल जो मॉडर्न कार्स आ रहे हैं डीजल कार, उन सब कार्स में टर्बो लगा होता है। और कुछ दिन बाद प्रॉब्लम ये हो जाता है कि ऑयल की जो लेवल है, हमारे इंजन ऑयल की लेवल है, वो सडनली कम हो जाने लगती है। मतलब इंजन ऑयल गाड़ी कंज्यूम करने लगती है, इसके बाद कार के एग्जॉस्ट में ब्लू या फिर वाइट स्मोक आने लगता है। तो ये जो असल में प्रॉब्लम होती है, ये टर्बो की प्रॉब्लम होती है। और ये टर्बो की प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसको रिपेयर कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। हमारी कार है ये महिंद्रा की ज़ाइलो है। हर कार में जो प्रोसीजर है ये सेम ही रहेगी, सिर्फ लोकेशन वगैरह चेंज रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें टर्बो में पाइप आते हैं, एक तो आता है एयर फिल्टर से पाइप आता है, वो इधर लगता है। इसके बाद ये जो एग्जिट होता है, मतलब ये कॉम्प्रेस करके एयर जाती है, ये जाती है इंटरकूलर में, ठीक है। ये दोनों पाइप आपको निकालने हैं, और सबसे पहले ये जो टर्बो शाफ्ट है उसका प्ले चेक करना है। तो वो कैसे करते हैं ये दिखा रहा हूँ, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट मोबाइल पे लेता हूँ। टर्बो शाफ्ट का प्ले चेक करेंगे, ये टर्बो शाफ्ट है, ठीक है। ये आपको ऐसे उंगली में पकड़ के हिलाना है, ये देखो इसमें प्ले देखो कितना है, पूरा हिल रहा है, ठीक है। ये जो प्ले है ये सिर्फ 1 mm या उससे कम हो जाना होना चाहिए। तो ये लगभग मुझे लगता है 3 mm लगभग है, 3 से ज़्यादा भी है। मैं थोड़ी ताकत लगा के हिलाता हूँ तो पूरा मतलब ये हो जाता है, हिलता है, ठीक है। तो दूसरे टाइप है, अभी हम ये ऑयल खींच रहा है या नहीं खींच रहा है ये देखेंगे। तो अभी टर्बो हमने क्लीन करके लिया है, ठीक है। इधर से हमारा एयर क्लीनर का होस लगता है और इधर से हमारा इंटरकूलर का लगता है, ठीक है। इधर से हवा कंप्रेस करके इधर से हवा आएगी। तो अभी हमें गाड़ी चालू करके रेस करके देखना है, या हवा आती है, क्लीन हवा आती है, या ऑयल को खींच के ले आती है। अगर ऑयल को खींच के ले आएगी हवा तो हमारा टर्बो फॉल्टी है, तो हमें रिपेयर या फिर रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है मालूम है कि गाड़ी का जो ऑयल है उसकी लेवल अगर कम होती है तो कुछ मैकेनिक को पता नहीं चलता, वो पूरा इंजन ओवरऑल कर देते हैं। क्योंकि किसी को लगता है गाड़ी का सीज हो गई होगी या फिर उसका रिंग में फॉल्ट होगा, लेकिन नॉमिनल फॉल्ट होता है। और चेकिंग स्टेप बाय स्टेप करना है, आपका खर्चा भी बच जाएगा और आपका हेडेज भी बच जाएगा, ठीक है। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इधर से ऑयल आ रहा है या खाली एयर ही आ रही है, ठीक है। गाड़ी चालू करो, करो रेस करो, बंद करो। ये देखो दोस्तों, आपने देखा इधर से है ना, पूरा ऑयल ऊपर तक आया, ये देखो। ये ऐसा ही ऑयल रनिंग में आ जाता है और कंबशन में पूरा जल जाता है। और इसी ये जो ऑयल है ये जलने के कारण ही हमारी गाड़ी है ये वाइट स्मोक या फिर ब्लू स्मोक देती है। तो ये ऑयल ज़रूरी नहीं कि इधर से आया है, कभी कभी क्या है एग्जॉस्ट से भी चला जाता है, ठीक है। जब एग्जॉस्ट से जाता है तो नॉमिनल इधर से भी, दोनों तरफ से एक ही बार लीक होता है। और ये बहुत डेंजर होता है, ये अगर ज़्यादा लीक हो जाता है तो गाड़ी रनवे लेती है, मतलब गाड़ी का इंजन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फुल रेस होता है, बंद करते हो तो भी रेस होता है और गाड़ी का पूरा इंजन डैमेज हो जाता है, ठीक है। अभी ये तो हमने चेक किया, अभी टर्बो निकालेंगे हम, और टर्बो कैसे रिपेयर करता है ये भी हम देखने वाले। सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फाइनली हमने टर्बो बाहर निकाल दिया है। तो पूरा टर्बो खोला नहीं हमने, सिर्फ एग्जॉस्ट की साइड से खोला, और ये जो इंटेक की साइड है उधर क्या है, ये 10 नंबर के बोल्ट होते लगे वो निकालने पड़ते हैं, ठीक है। सेम ये प्लेट इधर होती है और एक्चुएटर होता है, उसमें के क्वार्टर पिन निकालनी पड़ती है और इधर का नट निकालना पड़ता है, ठीक है। ये जो ऐसा प्लेट होती है ना प्रेस करने के लिए, सेम उसी तरह ये एग्जॉस्ट की तरफ होती है, एक दो प्लेट होती है और 4 बोल्ट होते हैं उसके, ठीक है। वो अब निकाल दिए हमने, और अभी क्या है, अभी ये कोर बाहर निकालने वाले हैं। तो अब हमने पुराना जो टर्बो का कोर है वो निकाल दिया है, ये देखो। और ये देखो इसमें प्ले कितना है, पूरा बहुत ज़्यादा प्ले है, ये देखो, ठीक है। ये साइड में रख देता हूँ, अभी इसकी कुछ ज़रूरत नहीं। और दूसरा कोर हमने लाया है मार्केट से, ये देखो। और इसमें देखो ज़रा भी प्ले नहीं है, ज़रा भी नहीं हिला। ये सिर्फ इसकी ये वॉशर है या फिर कैप कह सकते हो, लेकिन एकदम प्रॉपर है, ये ज़रा भी प्ले नहीं है इसमें, ठीक है। थोड़ा चलता है तो थोड़ा प्ले आ जाता है, 1 mm के अंदर ही होना चाहिए वो प्ले, ठीक है। और इसके बाद ये जो बॉडी है इसकी, इसको हमने अच्छे से वॉश किया, अंदर जो गंदगी थी वो क्लीन की। और इधर ये चिपकाया होता है सिलेंडर से, इस पर क्या है हमने सैंड पेपर से सैंडिंग करके लिया, क्योंकि इसमें क्या है गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। इसके ऊपर अगर किधर पुराना ये रह जाता है, ये देखो इस तरह, तो ये थोड़ा क्रॉस बैठेगा और साइड में लग सकता है, इसलिए प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए इसकी, ठीक है। वो क्लीनिंग भी कर दी इस पर, और इस पर ये सिलेंडर की ट्यूब रहती है गैस्केट, ये हमारी वो ट्यूब लगा दी। और अभी हम
इसको लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी क्या है, हमें ये इस तरह लगाना है, ये देखो ये ऊपर की साइड रखना है, ये देखो ये लग गया, ये पाइप ऊपर लगेगा और नीचे, और ये जो है ये इसमें एक इसका पैकिंग भी है, एक मिनट, ये देखो ये पैकिंग भी हमें न्यू लगाना है, और इधर ये पाइप लग जाएगा, ये देखो ये भी मैं लगा के लूँगा, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी, ये भारत हेवी ड्यूटी कंपनी का ये है कोर है, से इस ये सिर्फ हमें 5,000 रुपये में मिला, और इसकी क्वालिटी भी एकदम प्रॉपर है, एकदम मस्त क्वालिटी है। अभी क्या है, अभी इसमें कुछ मुश्किल नहीं, जैसे हमने खोला था वैसे लगाना है, ठीक है। ये देखो ये कुछ यहाँ इस तरह लग जाएगा, इसके ऊपर 10 नंबर के बोर्ड लगेंगे, इसके बाद ये वॉशर यहाँ लग जाएगा, इसके ऊपर 10 नंबर के बोर्ड लगेगा, और चारों बोल्ट हमें सेम टाइट करने हैं, ठीक है। वो सब टाइट करके लेता हूँ और फिटिंग करता हूँ। फिटिंग करने में कुछ भी मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको ये लोकेशन याद रहना चाहिए, ये जो पाइप है ये ऊपर कौन सा था, नीचे कौन सा था, नीचे ये वाला होता है, ऊपर ये वाला होता है, ठीक है। इतना ही होता है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसमें, ठीक है। अभी मैं फिटिंग करता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ। टर्बो कोर है और टर्बो चार्जर है, उसकी पूरी फिटिंग हो गई है, सिर्फ हमने पाइप लगाया नहीं है इंटरकूलर का और एयर क्लीनर का। तो अभी मैं आपको प्ले चेक कराता हूँ, ये देखो ये नया कोर है, और इसमें देखो प्ले बिल्कुल मतलब ज़रा भी हिल नहीं रहा है, ठीक है। ये नया है इसलिए थोड़ा चलता है, तो थोड़ा सा प्ले आ जाता है, थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन पहले जितना ज़्यादा था उतना नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 EMM के अंदर ही वो प्ले होना चाहिए, ठीक है। अभी गाड़ी चालू करके देखते हैं, ये जो पहले ऑयल फेंक रहा था वैसा फेंक रहा है या नहीं फेंक रहा है। तो अभी हम गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे, पूरा फिटिंग कर दिया है। फिटिंग करने के बाद हमने गाड़ी लगभग 10 मिनट आइडलिंग पे चालू रखी, डायरेक्टली आपको रेस नहीं करना है, 10-15 मिनट आइडलिंग पे चालू रखो, उसके बाद जैसे ऑयल वगैरह सर्कुलेट होगा उसके बाद ही आपको रेस करनी है, ठीक है। और लगाने के बाद ये जो शाफ्ट है ये फ्रीली घूम रहा है या नहीं घूम रहा है ये भी चेक करना है आपको, नहीं तो क्या है नया कोर है वो भी डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ये घूम रहा है एकदम फ्रीली, ठीक है। अभी गाड़ी चालू करता है, इससे पहले मैंने 15 मिनट गाड़ी ऑन रखी, एकदम प्रॉपरली ऑन हुई, ठीक है। अभी गाड़ी चालू करते हैं, स्टार्ट करो। ये देखो गाड़ी चालू हो गई, ये पाइप्स वगैरह ओपन है ना इसलिए साउंडिंग थोड़ा अलग है, अभी इसमें हवा वगैरह आ रही है। अभी रेस करो, करो रेस, करो करो, बस बस बंद करो। अभी आपने देखा थोड़ा भी ऑयल इसमें से आ नहीं रहा है, या फिर स्प्रेड नहीं हो रहा है, पहले क्या पूरा ऑयल स्प्रेड हो रहा था और इधर से अभी आ भी रहा था ऊपर, ठीक है। अभी तो हमारा टर्बो चार्जर है वो प्रॉपर हो गया है, ठीक है। अभी पूरी फिटिंग कर लेता हूँ और आपको गाड़ी का आवाज़ सुनाता हूँ। अभी जो पूरा फिटिंग है वो प्रॉपरली हो गया है, इसके बाद एयर क्लीनर वगैरह हमने क्लीन किया और लगा दिया, और अभी आप गाड़ी का साउंड सुन सकते हो, और ट्रायल भी हमने लेके आए हैं हम, ठीक है। और अभी जो गाड़ी में जो प्रॉब्लम था वो पूरा चला गया था, पहले जो ब्लैक स्मोक आता था वो क्या है, ब्लैक स्मोक थोड़ा चलाना पड़ती है गाड़ी, तो हमने लगभग 10-15 किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसके बाद ब्लैक स्मोक वगैरह चला गया, क्योंकि इंटरकूलर में वगैरह ऑयल होता है ना, आप निकाल के क्लीन करते हो तो भी चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ऑयल था तो हमने चलाई, उसके बाद ऑयल वो चला गया और ब्लैक स्मोक और पिकअप का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप नए हो आपने हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो में आपके लिए बनाता रहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।